अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। दक्षिणी मिर्च के तो थोड़े बनाऊंगी, 100 ग्राम ही लिए हैं मैंने बस। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, तनो ही हो रही है, शाम हो रही है, तो चलो आज का दिन अभी शाम से ही शुरू करते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आज एक लड्डू की रेसिपी बताती हूँ, आप सबको भी शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं बनाती हूँ सर्दियों में, और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मेरी मम्मी भी कहती है इस बात को, और जो बुजुर्गों ने कहा है वो सही भी होता है। और उसकी शेयर मतलब बताऊँगी आज मैं लड्डू को, मेथी के लड्डू बनाने वाली हूँ मैं, तो दिखाती हूँ आप सबको भी, तो बने रहिए तब तक मेरी वीडियो में। पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं, शाम को ये रात को बनाऊँगी, तो तब तक अभी हम चाय वाय बना लेते हैं, मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो दोस्तों हम अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। यो हमने 250 ग्राम आटा लिया है जो हमने भुना है, और ये आधी किलो मेथी है, इसका भी हमने पाउडर बना लिया यही, और अब इसमें हम डालेंगे, इसमें डाल लेंगे, इसमें सारे सामान मिक्स कर लेंगे, और अब हम सॉल्ट मैंने रेडीमेड मंगा ली थी बाजार से, कि यहाँ कौन कूदता और कौन बनाता, तो मैंने 150 ग्राम सॉल्ट मंगाई है। मैंने पिछले साल बनाया था ना, आइडिया तो मुझे था नहीं, क्योंकि हमेशा मम्मी बनाती थी, तो मैंने ज़्यादा डाल दी थी सॉल्ट, अब की बार फिर मैंने थोड़ी कम मंगाई है। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, और एक पैकेट और आई मेरा, देखो स्वाद तो इसका कड़वा होता है, पर दवाई भी तो कड़वी होती है, हम तो यही सोच लेते हैं कि दवाई भी तो कड़वी होती है। चलो शरीर के लिए कुछ करें, और डॉक्टरों को दे के आते हैं उससे अच्छा खा लें शरीर में, तो मैं सारी नहीं डालूंगी, कभी के फिर ज्यादा हो जाए एक बार चेक करके तब डालूंगी। और घी मेरा जमा हुआ है, एक बार ही गर्म करना पड़ेगा मुझे, और जितनी हमारी ये सामग्री है सारी, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम इसमें शक्कर डाल लेंगे, और शक्कर मेरी ये, तो हम इसका, वैसे इसमें ज्यादा वो ना, एक बार सामान तैयार कर लो। अब हम इसमें जितनी हमारा ये आटा और मेथी है पिसी हुई, उतनी अब हम इसमें वो डाल लेंगे, गुड़ वाला आता है एक मुरादनगर से, उससे लेते हैं शक्कर, गुड़ अच्छा रहता है उसका। और मीठा हम इसमें ट्राई कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम और भी ऐड कर देंगे, और ठीक लगेगा तो उतना ही रहने देंगे। एक बार अंदाजे से मिला लेते हैं इसके आइडिया से, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा हमारा जो ये मटेरियल ना, इसमें काजू वाजू ऐसा कुछ नहीं पड़ता है, ये सिर्फ ओनली ये देसी दवाई बनती है, और जो ये हमारे घुटनों में जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने पिछले साल खाए थे ना, तो मुझे तो काफ़ी बेनिफिट हुआ था, तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं अब की साल भी बनाऊंगी। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे घी, और घी को भी हमें गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी हो रही है ना, तो वो भी पिघला हुआ है, वो जमा हुआ है सॉरी। पिछले साल मैंने थोड़ा लेट बनाया था ना, तो मेरे कई सारे लड्डू बच गए थे, वो फिर खाए नहीं गए गर्मी में, तो फिर मैंने वो गाय को दे दिए, तो इस मारे आपके बारे में जल्दी बना रही हूँ।
बच्चे नहीं खाएंगे इसे बिल्कुल भी। और मैं एक दिन ना दखनी मिर्च का भी बताऊंगी, वो भी बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी आंख भीख तो है ही, तो मम्मी कह रही थी इस बार उसमें भी दखनी मिर्च का भी बना ले थोड़ा सा। ठीक है तो बना लेते हैं, ये सब टेस्ट नहीं होती है, सिर्फ दवाई के रूप में खाने पड़ती हैं। इसमें डली है उसकी शक्कर की, तो उनको हाथों से मैश कर लो, या तो जब इसमें घी पड़ेगा तो सारी खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी। अब कर लेते हैं हम घी गरम। तो ये तो हमारा चक्कू चम्मच हो गया, वैसा दूसरा लेते हैं, हमको गरम करना पड़ेगा ये। इसे तो मिलेगा नहीं ना, ये देखो प्योर घी देसी। और बच्चों के लिए भी बनाऊंगी ना, तो घर में मेरे पास गोले तो पड़े ही हैं, उनके लिए वैसे बनाऊंगी दूसरे वाले। उसमें मैं डालूंगी चने, भुने हुए चने लाऊंगी, उनका पाउडर बनाऊंगी, और चने का पाउडर बनाऊंगी। और गोले मेरे पास रखे हैं, और किशमिश रखी हैं, बादाम थोड़े से बादाम कुछ रखे हैं, कुछ मंगा लूंगी, और अखरोट उनका सबका पेस्ट बना के मैं बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। खाया नहीं जाता ना तो कि मैं खा रही हूँ बच्चे नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी बना देती हूँ। गरम हो गया भाई, कैसे पकड़ू मैं इसको, कपड़ा काम है। अरे अभी तो मैंने रखा था यहाँ पे। ज्यादा घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, और मुझे मोटा बिल्कुल नहीं होना है। अभी और पड़ेगा भी इसमें, और जो कहावतें बड़े बूढ़े ने बनाई है ना, कहने की बुजुर्ग लोग पहले ऐसे कहते थे ऐसे करते थे, तो उनकी कहावत सारी सही है, माननी चाहिए। बुजुर्गों का कहना भी, आज की जनरेशन ना जो मानती नहीं है बुजुर्गों को, सोचती हैं कि ये ऐसे ही कहते रहते हैं बस। अब एक बार हम इसमें मीठा टेस्ट करेंगे, अब संपूर्ण हो गया सब कुछ, अब हम इसके लड्डू बना देंगे फटाफट। अरे काफी दिन में खत्म होंगे मैं, क्योंकि पूरा लड्डू खाऊंगी नहीं, आधा आधा खाऊंगी जितना, बस सुबह का नाश्ता मेरा यही हो रहा है, एक रहेगा।
एक गिलास दूध और उसके साथ आधा लड्डू। मुझे तो सब्जी जो ओके लग रही है इसमें। बड़े बड़े लड्डू बना रहे हो, जल्दी से बन जाएंगे। दखनी मिर्च के तो थोड़े बनाऊंगी, 100 ग्राम ही लिए मैंने बस, और वही खाए जाए वही बहुत मानो। और उसमें चने का ही आटा मिलाऊंगी उसमें भी। सब कुछ रेडी है, बस आज यही बना रही हूँ, कल को वो बनाऊंगी। 2-3 दिन वीडियो में यही मिलेगा आप सब। क्यों फूट रहा है? हाँ? बिखर रहा है। ज्यादा की हो गया ना, इसमें बन नहीं रहे हैं। तो हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो आई हो, अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और प्लीज वीडियो को पूरा देखे करो और अपना प्यार हमें दिखाओ और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को लाइक करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट दो बस।